हेलो गाइस, आई एम पीतम सर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट फिक्स स्ट्रक्चर दैट इज़ फील लाइक। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर में किस तरह के वाक्य आते हैं, जैसा कि मेरा मन जूस पीने को कर रहा है, उसका मन मूवी देखने को कर रहा था, राधा का मन नाचने को कर रहा है, हमारा मन घूमने को कर रहा था, क्या बच्चों का मन पिकनिक जाने को कर रहा है, मेरा आज रसगुल्ला खाने को मन कर रहा है। तो इस तरह के वाक्यों का पहचान यह है कि वाक्यों में का मन कर रहा है या की इच्छा कर रही है, ये शब्द आते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर हमारा है फील लाइक। आप देखो फील लाइक का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद फील लाइक लाएंगे, फिर जो क्या है जीरंड फॉर्म आती है। जीरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वो जीरंड होता है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है और हमारा वाक्य प्रेजेंट में है, तो सिंगुलर के साथ हम फील लाइक में एस और ईएस जोड़ देंगे, और अगर हमारा टेंस जो क्या है पास्ट में है, तो हम इसकी फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है, तो डिड नॉट फील लाइक, डू नॉट फील लाइक और डज नॉट फील लाइक का प्रयोग होगा। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, क्या से शुरू होता है, तो डू, डज, डिड, इनका प्रयोग सबसे पहले करेंगे और इनके साथ फील लाइक का प्रयोग करेंगे। आप देखते हैं इन सेंटेंसों का इंग्लिश क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है कि मेरा मन जूस पीने को कर रहा है। मेरा मन जूस पीने को कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश है आई फील लाइक ड्रिंकिंग जूस। तो देखो, आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया मेरा, फील लाइक मतलब मन कर रहा है, किसका कर रहा है, जूस पीने का, तो ड्रिंकिंग जूस। तो इसको ये भी कह सकते हैं आई फील लाइक हैविंग जूस, या ये कह दो चाहे आई फील लाइक टेकिंग जूस। तो ड्रिंकिंग, हैविंग, टेकिंग, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा वाक्य है, उसका मन मूवी देखने को कर रहा है। उसका मन मूवी देखने को कर रहा है, तो इसकी है ही फील्स लाइक वॉचिंग मूवी, या सी फील्स लाइक वॉचिंग मूवी। लड़का है तो ही लगाएंगे और लड़की है तो शी लगा देंगे, और सिंगुलर दोनों सब्जेक्ट हैं तो हमने फील्स लगा दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, राधा का मन नाचने को कर रहा है। राधा फील्स लाइक डांसिंग, राधा सिंगुलर है तो हमने फील्स लगा दिया, फील्स लाइक डांसिंग, डांसिंग जेरेंड फॉर्म लगा दी। कल मेरा मन रसगुल्ला खाने को कर रहा था, तो इसकी इंग्लिश है आई फेल्ट लाइक हैविंग रसगुल्ला यस्टरडे। फेल्ट जो क्या है फील की सेकंड फॉर्म है, कर रहा था आ रहा है, इसलिए पास्ट टेंस है। बच्चों का मन आइसक्रीम खाने को कर रहा था, तो चिल्ड्रन फेल्ट लाइक हैविंग आइसक्रीम, या ईटिंग आइसक्रीम भी कर सकते हैं, या टेकिंग आइसक्रीम भी कर सकते हैं। आज उसका मन नहाने को नहीं कर रहा है, तो इसकी है ही डज नॉट फील लाइक टेकिंग अ वॉथ टुडे। ही डज नॉट फील लाइक टेकिंग अ वॉथ, या ही डज नॉट फील लाइक हैविंग अ वॉथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा मन गोलगप्पे खाने को कर रहा था, तो इसकी इंग्लिश है पास्ट में ये कर रहा था, तो डिड यू फील लाइक ईटिंग वाटर बॉल्स, डिड यू फील लाइक ईटिंग वाटर बॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारा मन गंगा में नहाने को कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश है डू यू फील लाइक वाथिंग इन द गंगा। अब ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, क्या सबसे पहले आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें डू का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में टेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, उसका मन क्या खाने को कर रहा है। अब क्या के लिए हम कोई चीज़ का नाम पूछ रहे हैं, तो इसलिए वो सबसे पहले वाट का प्रयोग करेंगे, वाट डज ही हैविंग फील लाइक, वाट डज ही हैविंग फील लाइक। नेक्स्ट है, कविता का मन श्याम को किस करने को कर रहा है, तो कविता फील्स लाइक किसिंग श्याम, कविता फील्स लाइक किसिंग श्याम। नेक्स्ट है, क्या राधा का मन श्याम को प्यार करने को कर रहा था, तो डिड राधा फील लाइक मेकिंग लव विथ श्याम। नेक्स्ट हमारा है, मेरा मन उसमें थप्पड़ मारने को कर रहा है, तो आई फील लाइक स्लैपिंग हिम,
आई फील लाइक स्लैपिंग हिम, हर भी कर सकते हैं, लड़की है तो हर है, लड़का है तो हिम आएगा। उसका मन बारात में नाचने को कर रहा था, तो इसकी है ही फेल्ट लाइक डांसिंग इन द बारात, ही फेल्ट लाइक डांसिंग इन द बारात।